और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि बांग्लादेश में हो रहे हिंसक झड़प को लेकर के आपको बता दें कि बांग्लादेश में फंसे हैं झारखंड के 4.6 लाख आदिवासी। वर्ष 1900 में रेल लाइन बिछाने गए थे, सभी वहीं बस गए हैं। आपको बता दें दिनेशपुर जिले में 45 घर के लोग रात में सो नहीं पा रहे। श्रम विभाग ने कहा बांग्लादेश में सुरक्षित है सभी झारखंडी। बांग्लादेश में सतर की संख्या ज्यादा, उराव दूसरे नंबर पर है। हमें बता दें कि सोशल साइट पर सभी कर रहे हैं शांति की अपील। मजदूर परिवारों ने कहा बांग्लादेश में अब भाषा नहीं धर्म बड़ा हो गया है। छोटा नागपुर से 125 साल पहले गए थे सभी झारखंडी। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने हुए स्टेट हेड अभिषेक भारती। अभिषेक जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो छात्र खुद को आंदोलनकारी बता रहे हैं और जिस तरीके से जो हिंसक वहां पर हिंसा देखने को मिल रहा है और वहां पर बताया जा रहा है कि 4.6 लाख आदिवासी जो है वो फंसे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनिकेत, झारखंड के छोटा नागपुर, खास करके छोटा नागपुर इलाके से कई उराव परिवार कई साल पहले जो है वो बांग्लादेश मूव कर गए थे। हालांकि वो सादरी बोलते हैं, वो अपनी जो संस्कृति है उसको वहां पर भी मेंटेन रखे हुए हैं। कई संथाली परिवार भी ऐसे हैं जो कि वहां पर अभी भी मौजूद है। कल सत्यानंद भोक्ता, जो कि झारखंड के श्रम मंत्री हैं, उनसे इस बारे में बात भी हुई थी। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि देखिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है और उस कॉल सेंटर पर फोन करके मदद ले सकते हैं जो झारखंड के लोग वहां पर फंसे हुए। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि झारखंड के लोगों से लगातार संपर्क में झारखंड की सरकार और उन लोगों के लिए तमाम जो उपाय है वो किए जा रहे हैं। जो राहत वाहत की व्यवस्था की जा सकती है वो तमाम व्यवस्था की जा रही, वो अभी फिलहाल सुरक्षित है। खास करके दिनेशपुर जिले की जो बात की जा रही है, देखिए वहां के लोगों ने बताया कि ये जो भाषा से शुरू हुआ था अब जाकर के धर्म पर आ चुका है। वहां पर चूंकि मुस्लिम धर्म जो है इस्लाम धर्म के लोग फॉलो करने वाले ज्यादा है, तो अब जो भी गैर इस्लामिस्ट वहां पर मौजूद है उनको वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। जो भी गैर इस्लामिस्ट धार्मिक जो प्रतिमाएं वहां पर मौजूद है उनको खंडित किया जा रहा है। तो ये अभी वस्तु स्थिति है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात जो है वो कहा जा रहा है कि कंट्रोल में आ रहे हैं और स्थितियां जो है वो थोड़ी तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन सरकार की इस पर नजर है और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि जो झारखंड के लोग हैं उनको राहत दी जा सके। हालांकि दिनेशपुर में मौजूद कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वो डर से रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि फिलहाल वो सुरक्षित हैं और वो सरकार से फरियाद लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां से काफी भयावक है। इस्कॉन टेम्पल की हम बात करें तो उसे आग के हवाले कर दिया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया। वही इस्कॉन टेम्पल जब कोरोना काल में वहां पर हर दिन 2-2 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा था और उसी इस्कॉन टेम्पल को तोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू है बांग्लादेश में वो फिलहाल डरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अनिकेत, ये दुनिया का सिद्धांत है। दुनिया का सिद्धांत ये है, आप जंगल में जब जाएंगे तो जंगल में जब हिरण की जनसंख्या ज्यादा होती है तो हिरण का झुंड जो होता है वो शेर को खदेड़ता है। जब शेर की जनसंख्या ज्यादा होगी तो हिरण की जनसंख्या कम होगी। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम को ही बांग्लादेश का हर उस देश में फॉलो किया जाता है जहां कोई भी एक धर्म की जनसंख्या ज्यादा होती है। आप जब भाई अफगानिस्तान में देखेंगे, आप पाकिस्तान में देखेंगे, आप इराक में देखेंगे, आप देखिए कि एक जो भी धर्म बहुल होगा वो दूसरे धर्म को अपने आगोश में लेने की कोशिश करेगा और उसका पहला निशाना जो होता है वो किसी भी जो धर्म वहां पर चल रहा है उस धर्म को खंडित करने का होता है। तैमूर लंग जब भारत आता है तो वो मंदिरों को खंडित करता है, मोहम्मद गौरी जब भारत आता है तो वो मंदिरों को खंडित करता है। इसलिए नहीं कि उनका मकसद होता है हिंदू धर्म का सर्वनाश करना, नहीं, उनका मकसद होता है अपने धर्म का प्रसार करना। उनको लगता है कि ये धर्म और हमारा धर्म सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, तो यही सह अस्तित्व का जो कॉन्सेप्ट है ये सह अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप इसको किसी विशेष धर्म की सोच से नहीं कर सकते। कहीं पर अगर हिंदू जनसंख्या भी ज्यादा होगी तो आप देखेंगे कि वहां पर मुसलमान डरा हुआ रहेगा, कहीं पर क्रिश्चियनिटी ज्यादा होगी तो आप देखेंगे कि वहां पर हिंदू धर्म जो है वो डरा हुआ रहेगा। हर धर्म के अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, किसी धर्म विशेष से इसको जोड़ करके नहीं देख सकते आप इसको। ये प्रकृति का सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में मतलब जो है उनको इतने अच्छे से रखा गया लेकिन फिर भी वो हमारे नहीं हुए। ये सब नैरेटिव की बात है। जिस धर्म में जनसंख्या ज्यादा होगी तो वो दूसरे धर्म को निगलने की कोशिश करेगा, हर उस धर्म में ये चीजें होंगी, एकदम ये तय है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जी
जी अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।